यारा ओ यारा इश्क ने मारा हो गया मैं तो तुझ में तमाम दे रहे सब मुझे तेरा नाम। टीवी कार्यक्रम सारे गमा पर लिटिल चैंप्स में पांचवा स्थान लाने वाले अथर्व बख्शी का हजारीबाग पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अथर्व बख्शी इटखोरी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज उनका हजारीबाग पहुंचने पर विभिन्न चौक चौराहों पर स्वागत किया गया तो विभिन्न संगठनों ने भी उन्हें सम्मानित किया है। हजारीबाग पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि हजारीबाग वासियों से जो उन्हें प्यार और मोहब्बत मिला इस कारण वे पांचवें स्थान पर पहुंचे हैं। क्या कहते हैं अथर्व बख्शी, आइए सुनते हैं। हजारीबाग आने में कैसा लगा तुम्हें? मुझे हजारीबाग आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा होम टाउन है तो होम टाउन का तो अलग ही फीलिंग है तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने होम टाउन में। और लिटिल चैंप में जाना और टॉप 10 पोजीशन में आना, रैंक में आना, कितना बड़ा बात है ये। और पूरे देश देख रहा था तुम्हें टीवी पे, कैसा लग रहा था उस टाइम और किसे डेडिकेट करते हो अपनी सक्सेस? मैं अपना सक्सेस अपने फादर को डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं का मेरे साथ बहुत सपोर्ट था। वो अभी आ नहीं पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मेरे शो के लिए उन्होंने छुट्टी लिया था बहुत टाइम का, इसलिए वो आ नहीं पाए। पर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और टॉप 5 तक मैं आ पाया शो में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अपना ये जो मेरे को प्राइज मिला, मैं 5th तक आया, वो मैं अपने फादर को डेडिकेट। इतना कम उम्र में कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है और कितना थकान होता है तुम्हें प्रैक्टिस में और बड़े बड़े स्टेज शो करने में? प्रैक्टिस तो मैं सुबह 1-1.5 घंटे का करता हूँ, 1-1.5 घंटे का। उसके बाद शाम में 1 आवर 1.5 आवर का रियाज करता हूँ और बीच में बॉलीवुड सॉन्ग्स की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मुझे बॉलीवुड में भी अपना करियर बनाना। पढ़ाई और ये किसे दोनों को करते हो तुम? हाँ, पढ़ाई और म्यूजिक दोनों को मैनेज करता हूँ क्योंकि मेरी मम्मा कहती है कि पढ़ाई को और म्यूजिक दोनों को अच्छे से मैनेज करना है क्योंकि पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट म्यूजिक भी। लाइफ का गोल क्या है तुम्हारा? वैसे अभी फ्यूचर प्लान्स तो बने नहीं है, पर अगर मैं सोचूँ तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना जो करियर है वो म्यूजिक में ही बनाऊँ और आगे स्टडीज में भी कुछ करूँ। इतना कम उम्र में सेलिब्रिटी ऐसा फीलिंग लग रहा है तो वो कैसा होता है, वो फीलिंग कैसा होता है? पहली बार मुझे लाइफ में इतना अच्छा फील हो रहा है, इतने सारे मीडिया वाले आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अगला ऐसा फील हो रहा है जैसा ऐसा हमेशा मेरे साथ है। अरे लगा था कि हजारीबाग वासी तुम्हें इतना वोट करेंगे जब तुम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे वीडियो के लिए कि वोट कीजिए मुझे? हाँ, मुझे लगा था क्योंकि ये मेरा होम टाउन है और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पर जब इतना सारा वोट आया तो मैं सरप्राइज हो गया कि इतना सारा वोट कहाँ से आ रहा है। और तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? अभी तो फेवरेट सिंगर मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ लर्न करना, तो मैं सब जॉनर्स के सॉन्ग सुनता हूँ और सारे सिंगर्स को सुनता हूँ। तो वैसे तो मुझे सब सिंगर्स बहुत पसंद है पर मोहम्मद रफ़ी जी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत बोल सकते हैं। यारा ओ यारा इश्क ने मारा हो गया मैं तो तुझ में तमाम दे रहे सब मुझे तेरा नाम। मैं बेनाम हो गया मैं बेनाम हो गया अथर्व, रेमबो ऑर्केस्ट्रा के बारे सुना हमने, वो पापा के समय का ऑर्केस्ट्रा था आपका, फिर से वो ऑर्केस्ट्रा जीवित हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? मैं उसके लिए तो मतलब ट्राई करूंगा कुछ म्यूजिक डायरेक्ट करने का। वैसे तो इतने सारे लोग हैं रेमबो ऑर्केस्ट्रा में, वो भी इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो मुझे वही लगता है कि अच्छे से मैं करता हूं। हजारीबाग पहुंचने के बाद अथर्व बख्शी भावुक भी हुए और उन्होंने कहा कि ये मैं कभी भूल नहीं सकता कि हजारीबाग के वासियों ने कितना मदद उन्हें इस प्रतियोगिता में किया है। गौरव प्रकाश, लगातार.in, हजारीबाग।